पूरा सही, कुल मिला मिलाकर सर यही सब चीजें चली हैं और मुझे लग रहा है सोल्यूशन पे आना चाहिए, और सहारा के ज्ञानदान जो लोग उधर से भी हैं उनको भी बुलाना चाहिए चैनल पे, और मैं उसे भी कहना चाहता हूँ कि लोग बोल रहे हैं इधर भी आइए भाई सोल्यूशन हो। अब प्रॉब्लम हो गया, अब बैंक में एक वर्ड बोला जाता है उसको बोला जाता है हेयर कट, अब हेयर कट लगाओ आप मूलधन देना चाहते हो क्या देना चाहते हो, आके क्लियर करो संस्था आगे चलाना चाहते हो चलाना चाहते हो, सहारा उधर चुप बैठी हुई है उसको कोई मतलब ही नहीं है, हम लोग आपस में डर रहे हैं ये कहानी सुना रहे थे फांसी दे देना चाहिए वो दे देना चाहिए, ये सोल्यूशन नहीं है भाई। लोग बैठे हुए जैसे वो बेचारी बोल रही थी वो महिला जो बता रही थी मुंगेर की और वो रोहतास की, मैं समझ गया सुभाष जी, जी जी आपके बात से मैं आप ठीक कह रहे हैं, आप बहुत हद तक सही कह रहे हैं, आपका विचार बिल्कुल पुख्ता है और हम लोगों को सोल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा। दो बात है इम्पोर्टेंट, अगर सरकार की नियत भी ठीक हो जाए और सहारा ग्रुप की भी नियत ठीक हो जाए, बस 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 सही है, दोनों इकट्ठा होकर के बैठे तय करें कि हमें लोगों का पैसा देना चाहिए जिनका अभिनिवेशक। एक मिनट सर, अभी बीच में हल्ला हुआ था, मैं उस दिन क्या कह रहा था, मैं पिछले बार ये बोला सेबी ने कहा निवेशक फर्जी है, भाई निवेशक फर्जी कैसे हो सकते हैं, फर्जी लोग फर्जी अकाउंट में पैसा डालेंगे, और उसके बाद सहारा की यही गलती थी, उन्होंने पैसा री इन्वेस्टमेंट कर दिया, जो रियल और अकाउंट के पैसे थे वो री इन्वेस्टमेंट कर दिया, क्यों शॉप इन्वेस्टमेंट कर दिया, और तो उसने कर दिया भुगतान हो गए, उसने सहारा ने कहा भुगतान हो गए, मामला यही फंस रहा है। सिर्फ एक दिन सहारा सुधर रहा है, सहारा को आना चाहिए कहना चाहिए कि सर हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने री इन्वेस्टमेंट करा दिया, क्यों शॉप में री इन्वेस्टमेंट करा दिया, हमने किसी निवेशकों के पैसे वापस नहीं किए, मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गए थे तो वो खुद बोले सब सुधर रहा सहारा हमने पैसा वापस कर दिया, तो जज साहब बोले मतलब अब देखिए ऊपरी बोल रहा हूं कौन से जज थे क्या थे मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात यहां पे उठा था कि भाई आपने पैसा इन्वेस्टमेंट की कर दिया, अगर पैसा आपने पेमेंट कर दिया तो सामने आइए उनको सामने रखिए, आप डेटा दे ही नहीं पाए आपने कन्वर्जन सुन लीजिए कन्वर्जन करा के आपने 127 ट्रक भेज दिया सेबी के पास। हेलो जी हेलो सर, कुछ बोल रहे हैं। हाँ एक मिनट सर, ये प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम सर जब से क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी शुरू हुआ तब से हुआ, क्योंकि देखिए लोगों का जो कन्वर्शन सब कोऑपरेटिव में कर दिया गया, कोऑपरेटिव का सर हम लोग भी जो डेली खाता की मंथली खाता खोल रहे थे उनका सोच लीजिए 5 साल का हमने स्कीम किया, तो 5 साल का जब मैच्योरिटी आ गया उनको इंटरेस्ट के साथ पेमेंट हुआ, वो इंटरेस्ट आया कहाँ से, जबकि एक पैसा सरकार ने जो कंपनी ने कहीं इन्वेस्ट नहीं किया वहां से कोई प्रॉफिट नहीं कमाया, लेकिन उनको भी इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करना पड़ा। ऐसे करते करते सहारा ने बहुत कोशिश किया है सर, सर हमें लगता है वो बहुत कोशिश कर रहे थे कंपनी को कैसे बचा लिया जाए, सामने नहीं उनको आना चाहिए। एक सेकंड सोहन सर, आप एजेंट हैं, आप छोड़ दीजिए वो सब बात, सुब्रत सहारा को भी सामने आना चाहिए बताना चाहिए कि भाई क्या करना चाहते हैं, आप कंपनी चलाना चाहते हो कि नहीं चलाना चाहते हो, आपने सही कहा सर उनकी जो प्रॉपर्टी है फॉर्मूला वन रेसिंग में एमबे वैली की वैल्यू है, फॉर्मूला वन रेसिंग में विजय माल्या से शेयर करें तो होटल में है, वार्सोवा की जमीन है उनका जो है सबसे अच्छा वो है होटल है सहारा होटल, स्टार होटल, 5 स्टार होटल भी है सर, आज के दौर में उनका प्रॉपर्टी उनका प्रॉपर्टी पहुंच रही है सहारा के लोग जान भी रहे हैं। अच्छा बेबी पांडे कुछ बोलना चाहती है, बेबी एक मिनट रुकिए, बेबी बोलिए। कह रही हूँ सर, नमस्कार सर, कह रही हूँ देनदारी से आ रही मेरी